गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर इंग्लिश क्लास। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन ऑन अंडर। टुडे आज हम थ्री टॉपिक्स करेंगे। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आई एम इन ओएन ऑन यू एंड वी आर अंडर। इसका मैं मीनिंग बताती हूँ आपको। इन, आई एम इन, इन मीन्स क्या होता है? अंदर। इन मीन्स अंदर। जैसे अभी हम कहाँ हैं? अपने घर के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? इन द हाउस। ठीक है। इन ये बॉक्स, लुक एट दिस, दिस इज अ बॉक्स। बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या है? चॉक। ये चॉक कहाँ है? बॉक्स के अंदर। ये पेन, पेन कहाँ है? बॉक्स के अंदर। तो मैं क्या कहूँगी? द पेन इज इन द बॉक्स। क्या कहेंगे? द पेन इज इन द बॉक्स। ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ओ एन ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर मैंने ये पेन कहाँ रख दिया? बॉक्स के ऊपर। तब हम क्या करें, कहेंगे इसको? द पेन इज ऑन द बॉक्स। द पेन इज ऑन द बॉक्स। ये पेन कहाँ है? बॉक्स के ऊपर। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? द पेन इज ऑन द बॉक्स। अगर बॉक्स के अंदर होता तो हम क्या यूज करते? इन का। अगर बॉक्स के ये अंदर होता तो हम क्या यूज करते? आई एन इन। द पेन इज इन द बॉक्स। लेकिन अगर ये ऊपर है तब हम क्या यूज करेंगे? द पेन इज ऑन द बॉक्स। द पेन इज ऑन द बॉक्स। ये हो गया इन। इन मतलब अंदर। ओ एन ऑन, ऑन मतलब ऊपर। अब अंडर, यू एंड डी ई आर अंडर। अंडर मीन्स नीचे। लुक एट दिस बॉक्स एंड दिस इज पेन। पेन कहाँ है? बॉक्स के नीचे। पेन कहाँ है? बॉक्स के नीचे। तब हम क्या यूज करेंगे? यू एंड डी ई आर। मतलब कोई भी चीज अगर किसी के नीचे होती है तब हम किस चीज का यूज करते हैं? यू एंड डी ई आर अंडर। तो हम यहाँ पेन का यूज कैसे करेंगे? अंडर का, द पेन इज अंडर द बॉक्स। द पेन इज अंडर द बॉक्स। आया समझ में? अगर अंदर है तो इन। द पेन इज इन द बॉक्स। अगर ऊपर है तो द पेन इज ऑन द बॉक्स। और अगर नीचे है तो द पेन इज अंडर द बॉक्स। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स बना रखी है। लुक एट द बोर्ड। ये हमारा टब। क्या है? टब। मैंने टब बनाया है। टब के अंदर क्या होता है? पानी। क्या होता है टब के अंदर? पानी। तब हम क्या यूज करेंगे? इन। पानी कहाँ है? टब के अंदर। तब हम क्या यूज करेंगे? आई एम इन। इसको कैसे लिखेंगे? द, टी एच ई, द वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर। आई एस इज इन। क्या यूज करेंगे? इन। क्यों कर रहे हैं इन का यूज हमें? क्योंकि वाटर का है टब के अंदर। इन द टब। टब की स्पेलिंग आपको आती है? टी यू बी, टब। क्या? द वाटर इज इन द टब। वाटर कहाँ है? टब के अंदर। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? आई एम इन। द वाटर इज इन द टब। नेक्स्ट, एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर क्या है? कैट। क्या है बॉक्स के अंदर? कैट। तब हम कैसे यूज करेंगे? टी एच ई, द सी ए टी, कैट। कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर। तो द कैट आई एस इज इन। अंदर है तो आई एन इन। किसका यूज करेंगे? आई एन इन का। द कैट इज इन द, टी एच ई, द बॉक्स। कहाँ है कैट? बॉक्स
अंदर है तो आई एम इन। नेक्स्ट देखो, ये एक बास्केट है, बास्केट के अंदर क्या है, फ्रूट्स। तब हम क्या यूज करेंगे, टी एच ई, टी एच ई, द फ्रूट्स। The fruits is, one second, इसको सिर्फ एक ही रखते हैं, एप्पल कर लेते हैं, ओनली ओनली एप्पल। तो यहां आएगा हमारा द एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग क्या है, टेल मी, ए डबल पी एल ई, द एप्पल। हम कई बाहर जाते हैं, बहुत धूप है, तब हम क्या करते हैं,
पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, यू एन डी या अंडर। तो यहाँ लिखो टी एच ई द कैट, द कैट इज आई एस इज। अब क्या आएगा अगर नीचे है तो अंडर, यू एन डी ई आर अंडर, द कैट इज अंडर द ट्री। की स्पेलिंग बताओ, टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री। द कैट इज अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, कैट का है ट्री के नीचे। अब देखो नेक्स्ट, डॉग, डॉग का है टेबल के नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, टी एच ई द डॉग। डॉग की स्पेलिंग डी ओ जी डॉग, आई एस इज, द डॉग इज अंडर, आएगा नीचे तो अंडर, यू एन डी आर अंडर, टी एच ई द टेबल, कैसे बोलो स्पेलिंग, टी ए बी एल ई टेबल, अंडर द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट बॉल, बॉल कहाँ है टेबल के नीचे, तो हम कैसे यूज करेंगे उसका, अंडर का टी एच ई द बॉल, बॉल की स्पेलिंग बी ए डबल एल बॉल, आई एस इज, बॉल इज अंडर, राइट, टेबल के नीचे तो हम क्या यूज करेंगे, अंडर, यू एन डी आर अंडर, द बॉल इज अंडर द टी एच ई द टेबल, टेबल की स्पेलिंग बोलो टी ए बी एल ई टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। आयो आपको समझ आ गया होगा, इन ऑन अंडर, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, और अंडर मतलब नीचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।